अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ इमरान एंड यू आर मा ऑन माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय इमरान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हल करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल होता है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो आज हम यूज़ करके एक एग्जांपल करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो 6 स्टेप बेस्ड एक मेथड है, यानी कि एक ऐसा मेथड जिसमें 6 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। उन 6 स्टेप के ज़रिए जो है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम उन स्टेप को देखेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल करेंगे। तो देर आर 6 स्टेप्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है राइट द गिवन कंडीशन या राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि आपको जो इक्वेशन मिली है उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो पहला स्टेप है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सेकंड स्टेप है डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हर टर्म के साथ डिवाइड करें दोनों साइडों में, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को डिवाइड करें हर टर्म के साथ। थर्ड स्टेप है शिफ्ट द कॉन्स्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड। जो कांस्टेंट टर्म है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे सी है कांस्टेंट टर्म, तो इसको आप राइट साइड पे लेके जाएं। इस साइड प्लस है तो उस साइड माइनस हो जाएगा। शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड, थर्ड स्टेप ये है। फोर्थ स्टेप है एड 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड पे एड करें आप प्लस करें 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड और राइट साइड पे एड करें। फिफ्थ स्टेप है राइट लेफ्ट हैंड साइड इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड विद सिंपल अरिथमेटिक रूल, यानी कि आप जो है लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें और राइट साइड जो है उसे आप सिंपल अरिथमेटिक रूल के ज़रिए जो है वो सॉल्व करें। लेफ्ट साइड को परफेक्ट स्क्वायर में लिखें और राइट साइड को सिंपल प्लस माइनस करके जो है राइट साइड को आप सिंप्लीफाई करें। सिक्स्थ स्टेप और लास्ट स्टेप है टेक स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस ऑन द राइट साइड एंड सिंप्लीफाई। सिक्स स्टेप है टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे स्क्वायर रूट लें ऑफ द इक्वेशन विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस ऑन द राइट हैंड साइड एंड सिंप्लीफाई, और प्लस माइनस की साइन दे सिर्फ राइट हैंड साइड पे। स्क्वायर रूट आप दोनों साइड पे लें और प्लस माइनस की साइन सिर्फ राइट साइड पे दें और सिंप्लीफाई करें, तो आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 6 स्टेप के ज़रिए सॉल्व हो जाएगी और उसके रूट्स जो हैं आपके पास आ जाएंगे। तो इससे एक एग्जांपल हम करते हैं। ये एग्जांपल जो है आपकी बुक में से लिया गया है, आपकी बुक में से ही मैंने ये एग्जांपल लिया है। तो सवाल है 2x² - 8x - 1 = -1, 2x² - 8x = -1। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो एक्स है इसकी वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि रूट ढूंढने हैं हमने। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में स्टेप वन जो हमने पढ़ा कि राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लिखेंगे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि ये 2x² - 8x + 1 = 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप है डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स विद ईच टर्म। तो हर टर्म के साथ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 2 को डिवाइड किया इस टर्म के साथ, फिर इस टर्म के साथ, फिर इस टर्म के साथ, और फिर लास्ट टर्म 0 के साथ। तो यानी कि तो सेकंड स्टेप है हमारा कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हर टर्म के साथ डिवाइड करें दोनों साइडों पे। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 2 है, और 2 को हम इस टर्म के साथ भी डिवाइड करेंगे, इसके साथ भी, और इस टर्म के साथ भी डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे। तो डिवाइड करने के बाद जो है अब
टू का टेबल टू पे वन टाइम जाएगा, टू का टेबल टू पे वन टाइम, एट पे फोर टाइम। तो टू का टेबल टू पे वन टाइम, एट पे फोर टाइम जाएगा और प्लस वन अपॉन टू सेम रहेगा और ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टेप थ्री है शिफ्ट कॉन्स्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, अब प्लस वन अपॉन टू है तो उस साइड जाएगा माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। स्टेप फोर है एट वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइडों पे हम ये ब्रैकेट को ऐड करेंगे वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशेंट है माइनस फोर, माइनस फोर को मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करेंगे और ये ब्रैकेट हम दोनों साइडों पे देंगे, दोनों साइडों पे हमने ऐड किया है। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टू का टेबल टू पे वन टाइम जाएगा और फोर पे टू टाइम जाएगा, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, प्लस फोर यहाँ पे भी टू का टेबल टू पे जो है वो वन टाइम जाएगा और फोर पे टू टाइम जाएगा, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। अब फिफ्थ स्टेप है राइट द लेफ्ट हैंड साइड इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर तो हम इस तरीके से एक्स होल स्क्वायर देंगे, फिर माइनस है माइनस सेम, फिर टू हम देंगे फार्मूले में और एक्स जो है हम यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्स देंगे, फिर यहाँ पे एक और टू देंगे, फिर प्लस अब इस फोर को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे टू का स्क्वायर। अब जब हम इस ब्रैकेट को इस इन तीन टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो हमें वापस माइनस फोर एक्स मिल जाएगा, टू टू ज़ा फोर और एक्स साथ में, यानी कि माइनस फोर हमें सेम मिल जाएगा और जब हमने ये टू का स्क्वायर किया तो ये फोर सेम मिल जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे हमने एलसीएम लिए माइनस वन अपॉन टू प्लस फोर की एलसीएम लेंगे, माइनस वन प्लस एट अपॉन टू हो जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पे फार्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है एक्स माइनस बी, यानी एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यह बराबर हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर के, ए बराबर है एक्स के, बी बराबर है टू के और फार्मूले के बीच में माइनस और होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू प्लस टू स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर के। ये फार्मूला है परफेक्ट स्क्वायर का, इज इक्वल टू माइनस वन प्लस एट प्लस सेवन होते हैं अपॉन में टू। अब सिक्स स्टेप है टेक रेडिकल ऑन बोथ साइड्स विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस ऑन द राइट हैंड साइड। दोनों साइड पे रेडिकल लिए और प्लस माइनस की साइन दी है राइट हैंड साइड पे। अब स्क्वायर जो है वो रेडिकल से खत्म हो जाएगा, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस, सेवन का रेडिकल नहीं निकलता, टू का भी नहीं निकलता, ये सेम रेडिकल में रहेंगे। अब हम यहाँ पे प्लस माइनस, अब एक टर्म हम प्लस में लिखेंगे एक टर्म हम माइनस में लिखेंगे, तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू रेडिकल सेवन अपॉन टू ये प्लस में है और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस रेडिकल सेवन अपॉन टू ये माइनस में है। अब ये जो माइनस टू है इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू रेडिकल सेवन अपॉन टू प्लस टू, और अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस रेडिकल फोर्टीन अपॉन टू। यहाँ पे भी सेम ही है, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस रेडिकल सेवन अपॉन टू। अब माइनस माइनस के टू को उस साइड लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो एक्स इज इक्वल टू टू माइनस रेडिकल सेवनटीन अपॉन रेडिकल सेवन अपॉन टू, सॉरी ये जो है वो सही है, टू माइनस रेडिकल सेवन अपॉन टू है, ये सेवनटीन नहीं है सेवन है, ये गलती से हो गया, टू माइनस रेडिकल सेवन अपॉन टू आ जाएगा। फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइन फोर माइनस रेडिकल फोर्टीन अपॉन टू, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आएंगे, फोर प्लस रेडिकल फोर्टीन अपॉन टू एंड फोर माइनस रेडिकल फोर्टीन अपॉन टू। इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इन छह स्टेप के ज़रिए जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को कहा जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर आपको ये समझ में आया हो तो कमेंट में लिखें और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमेशा की तरह मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आप पर आपके पास टाइम पर पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।